Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. मैं सचिन तिवारी आप सभी का YND न्यूज में स्वागत करता हूं। भाईंदर पुलिस द्वारा लोगों से जुड़ने के लिए और उनके समस्याओं के समाधान के लिए भाईंदर पुलिस के द्वारा भरोसा सेल नामक एक जनता दरबार लगाने की शुरुआत की गई है। यह जनता दरबार माह के हर शनिवार को लगाया जाता है, जिसमें लोगों की समस्याएं सुनी जाती है और उसका समाधान किया जाता है। इस जनता दरबार में IPS अतुल कुलकर्णी और सभी उच्च पुलिस अधिकारी भी उपस्थित रहते हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए IPS अतुल कुलकर्णी ने बताया कि इस भरोसा सेल मुहिम द्वारा अब तक छोटे बड़े लगभग 450 समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। और इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आइए हम IPS अतुल कुलकर्णी से बात करते हैं। लगभग मेरे ख्याल से एक साल पहले शुरू हुआ है। एक साल पहले मुझे याद है अच्छी तरह से कि मैंने कुछ जनवरी महीने में एक न्यूज की थी, जिसमें आपने 250 केसेस का आंकड़ा पार किया था। और वहाँ पे एक केस मुझे याद है अच्छी तरह से कि वो एक ड्रग्स एडिक्ट था, उसको बहुत अच्छी तरह से आपने निकाला था। अभी मैं अनिल जी से बात कर रहा था तो मुझे पता चला कि लगभग चार, वो मिला करके अब तक लगभग 400 केसेस जो है आए हैं, जिसमें 350 केसेस सोल्व हो चुके हैं। इसमें क्या इस तरह के जो जैसे वो एक ड्रग्स का आपने किया था, उस तरह के और भी कुछ केसेस आए थे और क्या एक्सपीरियंस रहा? दूसरी बात, ये जो ऑफिस देख रहा हूँ मैं, पहले भरोसा सेल में आया था तो वो पुलिस स्टेशन के ऊपर था, ये कुछ नया लुक दिया है आपने, जस्ट लाइक मैं बोलता ही हूँ कि IPS अतुल कुलकर्णी यानी कि कॉर्पोरेट ऑफिस स्टाइल वर्क, क्या कहेंगे आप? यस, हमने लास्ट ईयर शुरू किया था भरोसा सेल। एक्चुअली हमारे जब SP थे महेश पाटिल सर और अभी के SP सर शिवाजी राठौर सर, इनके मार्गदर्शन में हमने शुरू किया था, क्योंकि भरोसा सेल में काफ़ी कंप्लेंट्स आते थे। पुलिस स्टेशन में जो आप देख सकते हैं कि फैमिली मैटर्स, महिला के रिलेटेड कंप्लेंट, साइबर कंप्लेंट, ये काफ़ी कंप्लेंट्स आते हैं। तो इसको टैकल करने के लिए कुछ सिस्टम नहीं था, हमने एक सिस्टम डेवलप किया है। एवरी सैटरडे ऐसा भरोसा सेल होता है, जो भी हमारे पास अर्ज आता है और जो कंप्लेंट्स रहता है उनको हम बुला लेते हैं और दोनों पार्टी को बुला लेते हैं और उनको खास करके फैमिली प्रॉब्लम, जो महिला के रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, उनको बैठ के काउंसलिंग करते हैं और उनको समझा के बताते कि लीगल इश्यूज़ क्या है, टेक्निकल इश्यूज़ क्या है और साइकोलॉजिकली उनको कैसे अफेक्ट होता है और क्या सोल्यूशन है। एक्चुअली मेनली हम सोल्यूशन के ऊपर फोकस करते हैं और हमारे टीम्स है तो डॉक्यूमेंटेशन भी कर लेते हैं, वो आत्मनिर्भर इधर ऑन द स्पॉट सोल्यूशन निकाल के वो सोल्यूशन जो आत्मनिर्भर है वो भी कर लेते हैं। यानी मैंने एक केस सुना है आपके दर्जा की, बहुत छोटी छोटी बातों में भी लोग बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं। जैसे मैंने सुना है कि कुछ दिनों पहले आपके पास एक केस ऐसा आया था कि एक मैरिड लाइफ कपल आए थे दो, मतलब उनका डिवोर्स के लिए वो बात कर रहे थे और डिवोर्स का कारण जो बताया उन्होंने कि ब्रेकफास्ट में उन्हें पोहा और वगैरह कुछ दिया जाता था। मैंने सुना कि आपने उसको बहुत टेक्निकली हैंडल किया, आपने दोनों कपल्स को फिल्म की टिकट दे दी और वो टिकट देने के बाद वो लोग पिक्चर देख के आए, फिर वो आपको मतलब वो लोग फिर उनका सेटल हो गया। ये सब आइडियाज़ कहाँ से लाते हो आप? ये एक्चुअली मेरा सोशल साइंस का बैकग्राउंड है, मैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में हमारा ट्रेनिंग ऐसे ही हुआ है कि जो सोसाइटी के प्रॉब्लम्स है, यूपीएससी में मेरा ऑप्शनल सोशोलॉजी ऑप्शन था, तो जो ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स रहता है काफ़ी कुछ बड़ा जैसा लगता है। और सोसाइटी में भी अभी इधर मेरा मेंटर में खास करके फैमिली डिरेंजमेंट हो रहा है, मीन्स छोटे छोटे इशूज में न्यूक्लियर फैमिली हो गया इधर काफ़ी, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। तो हम क्या करते हैं कि हमारे साथ अभी हमने वुमन काउंसिलर, एडवोकेट्स, तो मेरा भी हमारे महिला रक्षिता कमेटी में है, तो ये सब हम मिल के प्रोफेशनली हम ये सब चीज़ों को हैंडल करते हैं, वो जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म करते हैं। और ये फर्स्ट टाइम हम इधर कर रहे हैं, इधर हमने बताया कि जैसा कॉर्पोरेट लोग जो कि विजिटर आते हैं उनको पुलिस स्टेशन में कभी घबराहट होता है, कभी ओपनली नहीं बात कर सकते, हम अभी सेपरेट चेंबर्स किया है जो प्राइवेसी भी रहेगा, तो बात करने के लिए ओपनली बात कर सकते हैं जो भी उनका प्रॉब्लम है। तो ये ऐसा काफ़ी एग्जाम्पल्स आए, मोर देन 400-500 हम एक्चुअली डॉक्यूमेंट करते हैं, फिर से हम फीडबैक लेते हैं
कि हुआ कि नहीं, हम उनको फ़ोन करके पूछते कि फीडबैक हुआ है क्या, हर मिनट में हम पूछते कि उनका स्टेटमेंट वगैरह लिया है क्या, और ये सिस्टमेटिकली हम कर रहे हैं। भरोसा सेल के लिए आते थे उनको सेटिस्फेक्शन हो सके, तो एक सेटिस्फेक्शन उनके चेहरे पे दिखते थे, और वो गाइडेंस जो हम उनको यहाँ पे देते थे तो उनको पता चल जाता था कि अगर ये माँ बाहर के ऑफिस में गिर जाते हैं तो क्या प्रोसेस होगा, वो उनको डायरेक्ट हम उनको बता देते थे कि कोर्ट कचहरी में उनको कितना टाइम लगा। सो इट्स बेटर कि अगर एथिकल सेटलमेंट होता है उनके बीच में, तो अर्जुन साहब ने जो इनिशिएटिव लिया था कि लोगों को ज़्यादा तकलीफ नहीं हो, उनके जो प्रॉब्लम है उसका एथिकल सॉल्यूशन अगर निकल जा रहा है दोनों के बीच में, तो इस पर कुछ एक प्रॉपर गाइडेंस प्रॉपर वे मिलना चाहिए जो हम लोग ने यहाँ पे दिया है। ओके, ऑल अबाउट आप ये जरूर कहना चाहेंगे कि जो लोग भरोसा सेल में आते हैं उनको सही सलाह दी जाती है, और एज अ एक्सपीरियंस, एज अ लॉयर के एक्सपीरियंस, एज अ पुलिस वाले के एक्सपीरियंस के हिसाब से सही सलाह दी जाती है, जिससे उनकी परेशानियाँ कहीं ना कहीं आप बैठ करके यहाँ पे कम करने की कोशिश करते हैं। ओके, हाँ जी सर, ये भरोसा सेल शुरू तो एक डेढ़ साल से हो गया है, आप एक उत्तर पुलिस स्टेशन संभालते हो, जैसे और उत्तर पुलिस स्टेशन आईपीएस अतुल कुलकर्णी सर से जुड़े हुए हो आप, ये जो भरोसा सेल है इससे लोगों को किस तरह का फायदा पहुंच रहा होगा आपके हिसाब से? चलिए डेढ़ साल के पहले, एक साल के पहले चालू हुआ हमारे स्पेशल टीम गाइडेंस के लिए और अतुल कुलकर्णी सर। यस, बहुत सारे ऐसे मैटर होते हैं जो तकरारदार है और अपोजिट जो कोई है आपस में बैठे तो सुलझा जा सकते हैं, और ये यहाँ भरोसा सेल चालू किया, यहाँ हमको मदद काउंसलर्स है, एडवोकेट्स है, और हम भी रहते हैं यहाँ, तो बहुत सारे 95% जो मामले हैं आपस में बैठ कर सुलझा जा सकते हैं, होते भी हैं, तो अच्छा रिजल्ट है। इसलिए हमने हर सैटरडे ये चालू रखा है। ये कॉन्सेप्ट ऐसा है जैसे कि कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं जो बहुत बड़े बन जाते हैं आपस में झगड़ने की वजह से, अगर वो लोग यहाँ पे आते हैं तो आप उनको समझाते हो कि नहीं ऐसा मत करो रे बाबा, ऐसा मत करो, इस तरह से इसका सॉल्व हो सकता है, तो वो आसानी से आप काउंसलिंग के जरिए पुलिस के माध्यम से, वकील के माध्यम से, काउंसलर के माध्यम से सुलझा देते हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल इनका पाइप का पानी मेरे यहाँ आता है और मुझे तकलीफ होता है तो अर्जी करते हैं ये लोग। हाँ हाँ, एक्चुअली ये मामला बहुत बड़ा नहीं होता है, छोटा, और ये सुनते भी नहीं, फिर सामने सामने अरे चलो एक पाइप और बिठा दो, आपस में सुलझा जा सकता है और होता भी है। तो ऐसे मामले जो है पुलिस स्टेशन में एयर अबाउट 30% 40% ऐसे ही मामले आते हैं, इसके ऊपर ध्यान दिए तो फटाफट ये सॉल्व होता है। समस्या जब मेरा तन तलाठी ने और सर्कल ने फ्रॉड किया हमारे साथ, कुंभ वाले सामने वाले पार्टी से मिल के इसके पास से पैसा लेके उसने हमारा नाम गाड़ी से कट किया और उसका कुल वाले का नाम चढ़ाया है, क्योंकि कुल वाला नहीं है, कुल उसका प्रॉपर्टी नहीं है, फिर भी उसने नाम हमारा बोलता कि उसने नाम चढ़ाया है। सर्कल ऑफिसर का नाम और तलाठी वाले, तलाठी का नाम उत्तम शेट्टी और सर्कल ऑफिसर का नाम है दीपक अनारे। आप यहाँ भरोसा सेल में आई, मिली तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा, यहाँ के मेरे को अच्छा लगा। आपको उम्मीद है कि यहाँ से न्याय मिले? हाँ, मेरे को उम्मीद है यहाँ से मेरे को न्याय मिल सकता है। पहली बार आप? हाँ, मैं पहली बार यहाँ आई हूँ। सर्कल ऑफिसर, मेरा नाम एलिना मिरांडा।